किरण, इन आखिरी पांच स्टॉक्स में से आपका कमेंट? मुझे लगता है कि तीन स्टॉक्स मुझे अच्छे दिखते हैं। सीमेंस के बारे में मैंने बात की है, एलएनटी होगा मेरा पहला स्टॉक जहाँ पे मुझे लगता है कि से बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिल जानी चाहिए। बहुत अच्छे ट्रैक्शन के साथ ये स्टॉक चल रहा था और ओपन इंटरेस्ट एडिशंस भी काफी हद तक अच्छे दिखाई दे रहे थे। मुझे लगता है कि इधर से आपको 1600 के लेवल देखने को मिल जानी चाहिए एलएनटी। दूसरा होगा टाइटन, बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है और मुझे लगता है कि टाइटन में 254 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए और टारगेट्स के लिए आपको करीबन 478 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, आप फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक अपने सवाल जानना पूछना चाह रहे हैं। स्वपन चंद्रा का सवाल है, किरण, सीसीएल प्रोडक्ट को लेकर इनके पास टोटल क्वांटिटी है 100, इनकी खरीद आई थिंक 300 के आसपास की है। सीसीएल प्रोडक्ट्स अभी इन लेवल्स पे क्या सजेशन रहेगा आपका, क्या स्ट्रेटेजी कुछ चेंज कर लें? 333 का क्लोजिंग बेसिस पे लेवल देखने को मिला है। बहुत अच्छी वर्टिकल रैली स्टॉक में देखने को मिल चुकी है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन लाजमी है और वो हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये करीबन 315 तक नीचे आ सकता है, इससे नीचे आते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पे होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा ऐड करने तो कर सकते हैं और ट्रेंड जैसा है मुझे लगता है कि इजिली ये स्टॉक नए हाई छूता नजर आएगा। 370 इन द रीसेंट टाइम से हाई हुआ था, मुझे लगता है कि ये इजिली 400 के लेवल्स के ऊपर जा सकता है, इसके लिए स्टॉप लॉस 315 के नीचे रखना चाहिए। और तो लगातार एक साल से इसमें तेजी बनती हुई दिखी और ऑलमोस्ट 180 के लेवल से स्टॉक ने डबल रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन यहाँ पर होल्ड करना है आपको, 315 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा, बने रह सकते हैं। अगला सवाल फेसबुक पर महेश अग्रवाल पूछ रहे हैं, एनसीसी को लेकर 200 है इनके पास क्वांटिटी जो कि 82 के लेवल्स पे ली हुई है, एनसीसी क्या करना चाहिए अभी? किरण, एनसीसी में मुझे कोई प्राइस पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा जहां पे मैं पॉजिटिव बोलूं या नेगेटिव बोलूं, बिल्कुल न्यूट्रल स्टॉक है। तो मैं इधर स्टॉप लॉस सेल करूंगा 65 का और अगर 95 के ऊपर चलता है या 3 डिजिट के ऊपर चलता है तब ये स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए होल्ड करें स्टॉप लॉस के साथ और 100 रुपए के ऊपर और भी एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। और तो बने रहने की सलाह है, 100 रुपए तक के लेवल इसमें दिख सकते हैं और 100 के लेवल पर फर्दर एक्युमुलेशन कर सकते हैं। प्रदीप सवाल पूछ रहे हैं, एचसीसी को लेकर इनके पास क्वांटिटी काफी सारी है, 10,000 स्टॉक्स हैं जो कि 43 के लेवल्स पे लिए हुए हैं, काफी ऊपर इन्होंने खरीदा, फिलहाल नुकसान हो रहा है, एचसीसी क्या करना चाहिए अभी? इनके लिए स्टॉप लॉस सेल्स करूंगा, 34 का स्टॉप लॉस रहेगा, होल्ड करने की सलाह होगी। ट्रेंड अच्छा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर चल रहा है, करेक्शंस बहुत कम वॉल्यूम्स में आते हैं पर ये करेक्शन अगर 36 के नीचे चलता है तो मुझे ये चार्ट पैटर्न थोड़ा सा खराब होता नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि 36 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और 44 के लेवल्स जब आते हैं तब आपको एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। ऑलराइट, तो फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह है। शुक्रिया किरण।